और उत्तराखंड का डंका अब माया नगरी मुंबई में भी बजने लगा है। इस छोटे से सूबे की आवाज को माया नगरी में इन दिनों खूब सराहा जा रहा है और एक नई पहचान भी सूबे के इस लाल की आवाज को मिल रही है। पहाड़ के लाल पवनदीप राजन के सुरों के कायल माया नगरी हो चुकी है। इसके साथ ही देश के अलावा विदेशों से भी खूब सराहना इस दौरान पवनदीप राजन को मिल रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पवनदीप राजन की तारीफ की, जिसका एक क्लिप इंडियन आइडल के मंच पर भी दिखाया गया। पूरे दुनिया में आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। एक छोटी सी जगह से हैं आप, चंपावत, जो उत्तराखंड में है। और पवनदीप, उत्तराखंड के एक बहुत ही खास शख्स ने आपकी बहुत भर भर के तारीफ की है और वो खास शख्स उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। आइए देखते हैं उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल में अपनी गायकी के दम पर न सिर्फ देशवासियों के दिलों में जगह बनाई है बल्कि उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया है। क्या बात? मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से पवनदीप के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या बात है पवनदीप। और इस खबर पर हमारे साथ पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद धन्यवाद सुरेश जी। आपसे जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना गर्व आपको महसूस होता है जब आपका बेटा इतने बड़े मंच पर परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ ही खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उसकी खूब तारीफ की है। सर कभी ये होता है कि एक बाप का सीना चौड़ा होता है उसका बेटा अच्छा नाम रोशन करे, और खास तौर से कि एक छोटा सा शहर हमारा चंपावत, वहां से भी एक गाँव से हम चौकी रहते हैं जी, और वहाँ का बच्चा जहाँ संगीत का कोई विधि विधान भी नहीं होता है कि कोई एक सिस्टमेटिक कोई सिखाने वाला भी नहीं, वहाँ का बच्चा इस लेवल पर पहुँचता है तो एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ जी। बिल्कुल सुरेश जी। इसके साथ ही जब पवनदीप राजन मुंबई अक्सर जाया करता है, कहा जा रहा था कि आप सभी लोग उससे बोलते थे कि पवन वापस लौट कर मत आना, और इस बीच भी देखा जा रहा है जिस तरह से पवन इंडियन आइडल में परफॉर्म कर रहा है, उम्मीद तो इतनी जल्दी नहीं जता सकते कि पवन इतनी जल्दी घर वापस लौट कर आएगा। सुरेश सर, उसको वापस मत आने का मतलब हमारे चंपावत वालों का ये प्यार था कि तेरे पर टैलेंट है जी, तू घर में क्या करता है, तू अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा जी, उत्तराखंड के साथ पूरा भारत देखे, पूरी दुनिया तेरे टैलेंट को देखे, इसलिए वापस मत आना कह रहे थे। ये उसके लिए एक हमारे चंपावत वासियों का एक उसके लिए आशीर्वाद था जी। ये था। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन को इस बीच आपने सुना, जो काफी गर्व अपने बेटे को लेकर इस दौरान महसूस कर रहे हैं।